हेलो एवरीवन। सो वीडियो से तो पता ही चल गया होगा कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। हाँ, तो मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन जो कि है उत्तराखंड में। हमने रात की ट्रेन पकड़ी दिल्ली से जो कि कोटद्वार तक थी, एंड कोटद्वार से टैक्सी कोटद्वार टू मांडलू। तो ये टैक्सी जो है हमें डायरेक्ट अपने गांव के पास जहाँ सड़क है वहाँ तक छोड़ेगी। तो हम ये नई सड़क देख के तो काफ़ी खुश हो गए थे कि चलो सड़क आ गई। और हमारे यहाँ सड़क आना, पहाड़ों में सड़क आना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल सी एक सड़क ही तो है, बट पहाड़ों में आज भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर सड़क नहीं है। तो पहाड़ी लोगों को पता है कि सड़क आना बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, थोड़ी देर के लिए तो सड़क थी बट अब पोखाल के आगे ऐसी रास्ता, कच्चा रास्ता था। तो ऐसा है कि कोटद्वार से जो मांडलू है जहाँ तक टैक्सी जाती है, तो वहाँ तक का रास्ता जो है किलोमीटर्स में 50-60 किलोमीटर है, और पोखाल से आगे हमारा 15 है। तो जो ये कच्ची सड़क है यहाँ पे 15 किलोमीटर है। तो हम ऐसे ही कच्ची सड़क से जाएंगे। और वैसे सरकार को सोचना चाहिए, वैसे ही गांव में बहुत कम लोग रह गए हैं और आप लोग ऐसे सड़क के इन्होंने दी हुई है तो लोग क्यों ही रहेंगे वहाँ। सुख सुविधा नहीं है, इसी कारण लोग वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। स्कूलों में भी कम बच्चे पढ़ रहे हैं, दो दो तीन तीन बच्चे हैं अपने स्कूलों में। तो ऐसी सुविधा रहेगी तो बच्चे कैसे ही स्कूल में आएंगे। अभी हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने गाँव जाने के लिए, तो बस जो एक्साइटमेंट है वो बनी रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और ये हम पहुंच गए मांडलू, यहीं तक गाड़ी जाती है। इसके बाद हमारा जो गांव है वहाँ पे तक हमें पैदल जाना है अपना अपना सामान लेकर। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि कम से कम सामान लेके आएँ, क्योंकि जो भी हम सामान लेके आएंगे वो हमें खुद ही उठाना है, कोई नहीं उठाएगा। अगर मतलब है ऑप्शन घोड़े का, बट ऑलरेडी वहाँ शादी चल रही है तो शादी का सामान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि कम सामान लेके जाएँ। यहाँ तक टैक्सी आती है और उसके बाद अच्छा देखो यहाँ पे तक ही टैक्सी आती है और उसके बाद हमें यहाँ से ना पैदल जाना होगा। अभी पूरा रास्ता दिखाऊंगी आपको। और हम ना परसों बारात में आएंगे वापस यहीं पे, और वहाँ पे आएगी, वहाँ पे जाएंगे हम। जहाँ धुआं उड़ रहा है वो। हाँ लग गए 10 मिनट। अच्छा बैठ जा, बैठ जा, पैर क्या हुआ? 10 मिनट झटका से फुट उठा, ढंग से बैठ इधर, झटका ले जरा तेरे को, झटका लगना रहा ना। यहाँ से हम लोग जाएंगे पैदल, हालत ख़राब होने वाली है अभी ऊपर जाने के लिए। मेरे को तो टेंशन भी हो रही है, दोबारा बारात में हमें यहीं वापस आना है, फिर दोबारा ऊपर जाना है। हमारा सारा सामान उतर रहा है, सामान लेके जाएंगे ऊपर यहीं। अंकी बैग लेके जाना है तुझे, दो तीन अंकी। हाँ, तीन दो तीन चार है। नहीं नहीं वो कुछ नहीं, अमरती कम तो आए को। हमारे गांव आना ना सबको बड़ा इजी लगता है, लेकिन ऐसे जाना ना बहुत इजी नहीं है। ऐसे बैग उठा उठा के जाना पड़ता है, हमें पता है सब लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। सब बैग लेके आ रहे हैं, कोई फ्री, कोई जानवर मिल गया, कोई खाली नहीं आ रहा। रास्ते में कोई जानवर मिल गया तो आपने टैकल करना है। हाँ, और ये हमने इनको सबसे आगे किया है ताकि कोई हमें जानवर मिला है तो उनका सामना करेंगे। सब लोग हिमाचल जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, और यही हमारी ट्रैकिंग है, रोड से अपने घर तक जाना। तो हमारी ट्रैकिंग तो यूं ही हो जाती है, और हम किसी को बताएंगे ना कि हम ट्रैकिंग की हमने हिमाचल में,
तो हम पे हंसेंगे। ये तो दोस्त लोग गए थे मेरे साथ ना, हाँ तो कंडा भी लगवाई थी। बोला मैंने साइड उठ जाओ इससे, माने ही नहीं, फिर तो सबको लगी। बोला मस्त मजा कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे कंडा को बिच्छू खास कहते हैं। हाँ सब जगह अलग अलग नाम हो जाता है। ब्रिज है देखो, ऐसे पानी बहुत कम है यार, बट हम झरने पे जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा पानी होगा। देखते ये हम मिठाई लेके शादी में जा रहे हैं। वो यार बोतल निकाल दे, एक पानी लाते हैं। मुझे प्यास लग रही है, वो कौन खुले जाने, पापा जा रहे हैं नीचे पानी लेने। ये बिल्कुल प्योर है, हम पी सकते हैं इसको, आरओ से भी ज्यादा। पापा जा रहे हैं नीचे पानी लेने। देखो मेरे पापा चले गए पानी लेने। दिखाओ कैसे आई है, और थोड़ा और पीछे जाऊंगी तो पानी लेके आएंगे पापा। अब यहाँ से हमें ना चढ़ाई करनी है, थोड़ा हार्डेस्ट वाला पार्ट है। अब हम थकने वाले गंदी तरीके से, ऊपर से घोड़े भी आ रहे हैं सामान लेने के लिए। तो ऐसे रास्तों में ना घोड़े आते हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि बाइक स्कूटी कुछ नहीं जा सकता, तो घोड़े आते हैं सामान लेने के लिए। ये देखो आ गया। ये आ गए दो घोड़े और इनके साथ। ओए ऐसे रास्ते हैं गाइस जहाँ पे हम लोगों को जाना होता है। थक गए हैं यार। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट रास्ता है, वहां से आए हम उससे, इसके पीछे से देखो कैसे लेके जा रहे हैं सामान, सर पे रख के ये रास्ता गए यार। देखो दिस टाइम गाइस हो गए। देखो मेरे पापा आ रहे, पानी लेने गए थे ना वहां पे, तो अब ये रहे। देखो गाइस पहाड़ों में रहना इज नॉट इजी, देखने में अच्छा लगता है। बहुत थक गए यार, वीडियो भी नहीं बना पाए। पाइनएप्पल बोला था बट कुछ और बताया। अरे संगीता ने बताया। थक गए यार, वहां से चल के आ रहे। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अंकित वहां से आए हम इतनी दूर से, थक गए। देखो गाइस आम का पेड़, इसमें अभी आम के फूल आए हैं, आम बाद में आएंगे। आने वाले आम को खाने आ जाना इस बारी।
आए हैं उसमें आम, बहुत सारे फूल लगे हैं। अभी हमारे टाइम पे तो नहीं मिलेंगे हमें, इस पे आम आएंगे एक दो महीने बाद। ये देखो घर दिख गया हमें, किसको इधर है ना सामने बहुत सारे। हाँ ये घर आ गए हैं, मतलब हम पहुंच गए हैं। और देखो फाइनली वहाँ से हम पैदल चल के आए हैं। ये है रास्ता, बताओ यहाँ पे कैसे बाइक आएगी, स्कूटी कैसे आएगी। रास्ता बना रखा है यहाँ तक। अब ये यहाँ से हमारी भाभी प्रधान है, उन्होंने उन्होंने ये वाला रास्ता बनाया है। उन्होंने ये बनाया है यहाँ से। बाइक नीचे से सर में लानी है, चल लो फिर यहाँ से स्टार्ट। देखो इधर घर है, वो भी गांव है। अरे तो नीचे ना ने बन से। अरे नमस्ते, नमस्ते। पापा देखो यहाँ से ऊपर जाना है। पहचान लिया आपने मुझे, पहचाना? तुम लगा बाबा पर ठेका मिल गया उनको, आम का पेड़। देखो ये वाली चिड़िया हमारे तो देखने को नहीं मिलती ना। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया, आप कब आए? मैं आ गया था। ये देखो एक और गांव, बहुत बार सारी दुनिया है वो ख्याड़ा है, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी ऐसे दिख रहा है इजी, बट हालत खराब है। हमारे कौन से भगवान जी है? सही में हमारे भी सबके हैं, हमारे गांव के देवता है यहाँ पे। जाना वहाँ पे एक बार कह रही थी कि शूटिंग हो रही है, कोई बाहर से आया है ना। हाँ आते हैं टूरिस्ट, टूरिस्ट आते हैं वहाँ आते हैं, आम के पेड़ हैं, मछली तालाब भी है। अच्छा बस कुछ देर में हमारा घर आने वाला है, टूटा हुआ घर। हमारे एक ताऊ जी का घर आ गया। ममता भाभी, ये उनके बच्चे तो हैं। देखो छोटी सी गाय, छोटी सी गाय, बड़ी सी गाय। छोटी तो है वो स्वाती। हाँ
वो देखो हरा हरा हमारा पेड़। ये हमारे दूसरे ताऊ जी का घर इन्होंने बाद में बनाया है, पहले इनका दूसरा घर था। ये आएंगे कल। और ये नीचे स्कूल है फिफ्थ तक, फिफ्थ तक यहाँ पे बच्चे जाते हैं आंगनवाड़ी और फिफ्थ तक। उसके बाद जहाँ से हम आए हैं ना, यहाँ पे टैक्सी है, वहाँ पे जाते हैं बच्चे उस स्कूल। खुद सरकार ने जगह जगह पे कूड़े का बनाया हुआ है, देखते हैं इसमें कितना कूड़ा है। नथिंग, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बस नाम के लिए बना हुआ है पूरा स्कूल। देखो और ये हमारे पुराने पड़ोसी जिनका घर पूरा टूट गया है। उस ज़माने में इनका घर बहुत अच्छा बोला जाता था क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ था, दो मंजिल, पूरा टूट गया। देखो मतलब किस तरीके से बनाया ना, बहुत अच्छा है। देखो खिड़की सब टूट गया। और ये हमारा घर है जहाँ पे अब कोई नहीं रहता, टूट गया। इसको दोबारा दिखाऊंगी अच्छे से, क्लीन है थोड़ा सा। इसके अंदर एक कमरा है, एक यहाँ पे है, दो किचन, एक ये कमरा। ऐसे कमरे होते हैं गांव में। और ये हमारे दूसरे ताऊ जी का घर, ताई जी हमारे घर, ये दूसरे ताऊ जी का घर है। और एक ताऊ जी का घर इसके पीछे है जिनके घर में शादी है, तो वो मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। और ये हमारा आम का पेड़ है, अभी इसमें आम आए नहीं है, आएंगे 2 महीने बाद। प्याज देखो, प्याज और क्या है यहाँ पे, टमाटर, अमरूद। मतलब ये ना हमारे अपने लिए ही होते हैं, हम मतलब ऐसे सेल करने के लिए नहीं करते। यहाँ पे बस 4-5 घर और है, बस यही गांव है और जो उधर दिखाया था वो। ये देखो हमारा घर, हाँ पता है वहाँ पे ना गाय चली गई थी। अरे इन्होंने बंद कर दिया यार, पता है यहाँ पे ना एक बार गाय आ गई थी और वो यहाँ पे आई और ये सब टूट गया। अरे वो देखते हैं। हाँ ये देखिए रा, मज्जा क्यों, वो कच्चा है, नहीं इसके ऊपर नहीं जा रही। ये देखो इसके अंदर कमरा है और कमरे के अंदर भी एक कमरा है। याद है हम बहुत छोटे थे, यहाँ पूजा में हम आए थे, देखो कितना छोटा सा घर है हमारा, दिखने में छोटा है। हाँ कमरा तो बड़ा है, पीछे से देखो यहाँ से रास्ता भी है। वो देखना ताई जी के शादी का, हमारा पीछे भी तो कमरा है। हाँ, ओम बढ़ाया हूँ छत्तम। हम्म, वो बाजार में तो अपना सब। इसका नाम जैकी। जैकी, हाँ जैकी, हेलो। हाँ जैकी, बैठ बाबा। जैकी अपने जैक्शन दिखा रहे हैं, ये देखो खाना बन रहा है। हरे राम। ये हमारे ताऊ जी। जैकी मत कर यार, जैकी जैकी खुजली कर रहा था, वो रुक गया जैकी बोल बोल के। ऊपर ये हमारे पीछे वाला घर कमरा, ये मेरे दूसरे ताऊ जी का घर। हाँ
वो अलग है हमारा छोटा सा। ये देखो गांव में शादी होती है तो सबको खुद ही कुर्सियां लेके आनी होती है सारी। ये मेरे ताऊ जी की फ़ोटोज़ हैं 1983 के, जब वो बिहार में पोस्टिंग थे उनके, और ये उन्हीं की एक पुरानी फ़ोटोज़ हैं, काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ हैं उनके शादी की। ये भी उनके आर्मी के टाइम की फ़ोटोज़ हैं। कौन है ये? बड़ा भैया का नाम है। इस गांव की वोट यहां पे जाके देना है तो कौन जाएगा इतनी दूर? ये नीचे जाके फिर उस तरफ जाना है, फिर वहां से वहां जाना है, इसलिए यहाँ के गांव वालों ने वोट ही नहीं दिया। अब हम जा रहे हैं नदी में, तो एक ही दिन में हम सारे टास्क पूरे करेंगे, सारी एक्साइटमेंट पूरी करनी है हमें आज ही। अब हम जा रहे हैं गदन में नदी में सॉरी, झरने में जा रहे हैं, झरने में गाइस। हमारे गांव का एक प्यारा सा झरना, इकलौता। हाँ, ये किसकी गाय है? बिल्कुल नीचे जाना है हमें, जहाँ से पानी की आवाज आ रही है। ये वाला भी शूट करो, यहाँ पे हॉर्स रहते हैं, बट अभी नहीं है, अभी नहीं है यहाँ, बट हॉर्स रहते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। देखो पानी की आवाज आ रही है, पानी की आवाज से ठीक है। रुक, ऐसा रास्ता है इतना रिस्की, फिर भी मैं जोखिम उठा के आपको अपना गांव का व्यू दिखा ही रही हूँ। बहुत ही आराम से आना पड़ता है यहाँ पे। अभी अंकी आके दिखाएगी आपको। आ गई भी। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। अभी आवाज आ रही होगी आपको थोड़ी ज्यादा पहले से। हवा, पानी, अभी ये थोड़ा आधा दिख रहा है, नीचे जाके पूरा दिखेगा। इसमें ना पानी कम ज़्यादा होता है जैसे जैसे मौसम के हिसाब से, कभी पानी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो अभी पता चलेगा नीचे कितना पानी है। यार बहुत कम पानी है वैसे, हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। Thank you.
ये देखो छोटी छोटी बकरियां आ गई यहाँ पे। ये हमारे ताऊ जी की है सारी बकरी, ताऊ जी की है ना ये बकरियां, और ये अपने आप ऊपर चले जाएंगे, इनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। चलिए एक बकरी ये भी है। देखो हम लोग नीचे से आए हैं, यहाँ तक आ गए, और अभी हमें वहाँ तक जाना है ऊपर, थक रहे हैं। संगीता ना पहले यहाँ पे आती थी, रोज आती थी नीचे, रोज पहले। हाँ अब आदत नहीं है ना जब। काफी कंप्लीट कर लिया हमने, थोड़ा सा ही बचा बस। और मैं देख लिया था ना वो नाम बस। वो कौन है? भाईजी यार अंकित। हाँ जियो वाला चल रहा है बस। पानी कम ही है ना उसमें। हाँ दुई छाड़ आ गया ना, तब कम दिख रहा है। पता नहीं बहुत गोर है, ऐसे तो जान के पता बकरियां आ गई सब घास खा के। हां आवाज सुनी का ये देखना कैसे आपके साथ रुक रही है। तब आप सीधे ले जाओ बगन। हां साफ से जाती हो। हां हां लो वो तेरा रिवर्स गियर लेगी ना भैया। क्या बात है? बुढ़ा पी का था। अच्छा हां ना 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 ए बुढ़ा भैया मैनेजर अपने। हां हां वो खानता वो सब तिल बरागर ने छोड़ दिया। यार छोड़ दो यहां पे। हां हां आप पेगा हूं तो वो घास सुन दे ना वो ऊंची पूंछी मुंह कुछ नहीं तो तू रुक जा ना तेरा तब नहीं जावे ना ना दौड़ भाग अब यार बचेंगे नहीं लगन बाहर के बना दूंगा मैं जी बना। आओ बा आओ बा आओ बा आओ बा तो ऐसे पकड़ो मेरे साथ में आया इनके साथ में वो कैसे पकड़ो ऐसे ऐसे घुमा ऐसे अच्छा आओ कौन सा चलो 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 सारी बकरियों को मान दिया गया है उनकी जगह पे। अब ये कल जाएंगे दोबारा।
हमारे पहाड़ों में कुछ इसी तरीके के घर होते हैं, पुराने ज़माने में ऐसे ही बनाए जाते थे। ये है छन्नी, यहाँ पे है, यहाँ पे है गाय और बकरियाँ। ये देखो यहाँ खाना बन रहा है। टीचर कौन? मैथ्स वाला, ये वाइट वाला। हाँ उसका देख, उंगली खा रहा है। पूछी पूछी तू पता कितना दूध देती है? 1.5 लीटर देती है। अच्छा, पहाड़ों में जहाँ पे गाय और बच्ची बकरी जहाँ रहती है उसको छन्नी बोला जाता है हमारी भाषा में, तो ये हमारे लिए छन्नी है। तो रात में गाय भैंस जो भी है अपने पास उसको यहीं पे बांधते, क्योंकि रात में जानवरों के आने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इसलिए उनसे इनको बचाने के लिए हम पूरा कवर्ड करते हैं। और ये गला देखो किस तरीके से घर बनाया गया है, छन्नी घर भी बनते हैं ऐसे, और छन्नी भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। आज के टाइम पर ऐसा बनाना बड़ा ही मुश्किल है। वहाँ से यहाँ कौन भागेगा? मैं वही कर रही थी। अच्छा टेंट दिख रहा है, डंडे भी दिख रहे हैं। तो अब हो गई है मेहंदी स्टार्ट, क्योंकि लड़के की शादी है तो नॉर्मल बड़ा ही सिंपल तरीके से रखा हुआ है मेहंदी। जैसे कि आपने व्लॉग में पूरा देखा ही है कि सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से है, तो सारी ही चीज़ें बड़ी सिंपल है। तो यहाँ पे बच्चे मेहंदी लगा रहे हैं अपने मामा को और बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं। भैया सरुली को तो बुला लो, सरुली बुला लो। तो ये था पूरे दिन का व्लॉग, और कल से स्टार्ट होगी हल्दी एंड शाम को होगा न्यूते, तो वो भी व्लॉग मैं कल शूट करूँगी पूरा दिन। तो थैंक यू आज का व्लॉग देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।